आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन पार्ट 3। इस टॉपिक में भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एक्सप्रेशन है a4 प्लस ए स्केयर इंटू बी स्केयर प्लस b4 या a4 प्लस b4। इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल में हमें कहा गया है कि 81x4 प्लस 36x2 y2 प्लस 16y4 को फैक्टराइज कीजिए। इस एग्जांपल को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें सबसे पहले ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप की सिंप्लीफिकेशन पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। अब हम इन वैल्यूज को एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखा जाएगा। जब हम इन वैल्यूज को तरतीब देंगे तो हमें इस एग्जांपल के ये फैक्टर्स हासिल हो जाएंगे। अब हम दूसरे टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं जो कि x2 प्लस px प्लस q है। इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल में हमें कहा गया है कि x2 माइनस 7x प्लस 12 को फैक्टराइज कीजिए। इस तरह के एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के लिए हमें 7x के फैक्टर्स बनाने होते हैं। वो फैक्टर्स कुछ इस तरह के होते हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 7 आए और मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आए। जब हम 7x के फैक्टर्स बनाएंगे तो हमें ये फैक्टर्स हासिल होंगे। इस स्टेप में फर्स्ट टू वैल्यू से x को कॉमन लिया जाएगा जबकि सेकंड टू वैल्यू से 4 को कॉमन लिया जाएगा। x-3 को एक अलहदा ब्रैकेट में लिखा जाएगा जबकि x-4 को एक अलहदा ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जिससे हमें इस एग्जाम्पल के ये फैक्टर्स हासिल हो जाएंगे। अब हम थर्ड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं। इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। एग्जांपल में हमें कहा गया है कि 9x2 प्लस 21x माइनस 8 को फैक्टराइज कीजिए। इस तरह के एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के लिए हमें सबसे पहले 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें 72 हासिल होता है। अब हम 21 के फैक्टर्स कुछ इस तरह बनाएंगे कि इनको ऐड किया जाए तो 21 आए और मल्टीप्लाई किया जाए तो 72 आए। जब हम 21 के फैक्टर्स बनाएंगे तो हमें ये फैक्टर्स हासिल होंगे। इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें 72 हासिल होगा जबकि सब्ट्रैक्ट करने पर 21 हासिल होगा। इस स्टेप में से फर्स्ट टू वैल्यूज में से 3x को कॉमन लिया जाएगा जबकि सेकंड टू वैल्यूज से -1 को कॉमन लिया जाएगा। 3x प्लस 8 को एक अलहदा ब्रैकेट में लिखा जाएगा जबकि 3x माइनस 1 को एक अलहदा ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जिससे हमें इस एग्जांपल के ये फैक्टर्स हासिल होंगे। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।